हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राम राम जी सारिया ने। और अब हम आ गए हैं नाश्ता करने। ये सब करने लग रही है, मैं होगी लेट। मेरी थी तबीयत खराब आज, मैं कुछ थोड़ी नहीं ज़्यादा लेट हो गई थी। और पम्मी रानी सूट डाले हुए हैं, क्या खा रही है? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज हम जाएंगे मंदिर, सुबह सुबह की मंदिर तो जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या बता, कहीं तो ले जाएंगे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता। जानी मंदिर तो जाने, बफे सिस्टम है भाई, बाकी लेने लग रही है, है ना? ये बीज क्या हुआ, खा गई? अरे ये खा लिया अभी आई हूँ चाय के साथ। बहन की प्लेट तो खतरनाक है, ये ब्रेकफास्ट है तेरा, खतरनाक है तेरी प्लेट तो बेटी। मैं तो देख के डर गई, जो जो रखा है मुझे सब बहुत खतरनाक भाई। नाश्ते में इतना छोले क्या ले रही है, मटर, ओ बाप रे, सब कुछ ले रही है। मैं तो डर जाती हूँ इतना देख के खाना। मैं दो शुगर की वो पिला देना। और आप जी खा लिया? हेलो गीता जी, आपको कैसा लग रहा है? वो मीना बोल रहे, वो भी बस ठीक है। और कहाँ गई? अरे अरे सुचेता ले ले, आ जा सुचेता तो बिल्कुल थोड़ा सा ले लिया, का तो रंग ढंग ही बदल गया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई हम भी नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। लो भाई हम आ गए सारे नाश्ता पानी करके और आ बैठे हैं वैन में और अब जा रहे हैं मंदिर देखने। और कौन सा मंदिर है बताइए भाई? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र साई जी जो भी आ रहे हैं, हाँ हम जाएंगे। बोलो जोर से एक बार, क्या बोले? हर हर महादेव। हर हर, कौन बोला? बोले बाबा की आवाज नहीं आई अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं, मजा नहीं आया जब पम्मी के बस साथ पजावे, जयकारा भी अच्छा नहीं लगाया जाता तुम लोगों से बात करती हो। पहुंच गए भाई हम ब्रह्मपुत्र नदी के पास और अब जाएंगे हम मंदिर। ये सारे हमारे रेडी खड़े हैं सब के सब जाने के लिए। और ये अंदर अब हम जाएंगे, छोटे छोटे सिप रखे हुए हैं, इनमें जाएंगे हम बैठ के सब। भाई टूरिस्टों को ना बेवकूफ बना देते हैं ये लोग। और इतनी दूर वैन में से उतार दिया, जबकि वहाँ पास उतार देते पर नहीं, ऐसे ही ठगते हैं। कहीं भी जाओ चाहे भगवान का नाम हो या कुछ भी हो, बस उन लोगों को बेवकूफ बनाने से मतलब है। ठीक बात है ना, वैन वालों को कितनी दूर उतार दिया, कोई तरीका थोड़ी वो गाड़ी जाने लग रही, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जी आपकी दिल्ली में जिम नहीं हो रही है ना, इसलिए आपको दूर उतारा गया। अच्छा आप थोड़ी सी वॉक कर लें बहन, ये हिल विल पहन के वॉक नहीं होती तो चला था। आप नीचे देखो ही मत कि आपने पड़ेगा। हाँ स्पोर्ट्स शूज पहनो और दो डाले चाहे कहीं भी, स्पोर्ट्स शूज में दो मिनट में पहुंच जाते हम वहाँ पे, है ना? बताओ लिपस्टिक मांग रही है, कोई लिपस्टिक लाया है? पता था मिट्टी में जा रहे हैं, पता तो यहाँ जा रहे दो डाल कहती ना, मेरे शूज डाल ले। मेरी पार्टनर ने बोली कि नहीं वैली पहन, वैली में सुंदर लगेंगे, तो इसलिए। आपकी पार्टनर कौन है आज? रेखा अग्रवाल, मुझे नहीं मालूम। स्वीट सी, बहुत अच्छी सी हो रही, वो जाने लग रही, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नेचर वाइज अच्छी है। सहेलियाँ सारी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर दें चुपके चुपके से, वो बदमाशी नहीं करेंगे आदत से लाचार है, वो सुधर भी नहीं सकती। हाँ वही दाल रोटी खानी है, फिर हमारे अलावा कोई नजर नहीं आएगा, कुत्तियों को अब नजर नहीं आ रही, बाद में आएंगे हम नजर, है ना? आ गई, आ गई रेखा, मैं तेरी तारीफ कर रही थी, मेरी पार्टनर बहुत अच्छी है, मैंने कहा तेरी तारीफ बहुत अच्छी है, मैंने बोला ना ये थी, अब ये है, मैंने कहा बहुत अच्छी है, तो इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, है ना? और करते ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। यार मेरा प्रशांत मिस हो गया, मिल नहीं रहा,
कल करवाऊंगी अनाउंसमेंट जाकर। प्रसाद भी गायब हो गया होगा होठ होठ देखकर। बेटा वो प्रसाद कह रहा है मैं तेरा पास आना ही नहीं था, मैं जाना था दूसरी जगह। फिर कहाँ गया अब? वो पीछे रखा था, मैंने नहीं देखा। भगवान जानते हैं मेरा दिल साफ है। अच्छा, फिर क्या साफ नहीं? मैं बुरी नहीं, थोड़ी सी बदमाशी तो कर प्यारी प्यारी सी हूं। क्या साफ नहीं है ये तो बेटा? भैया को बताऊंगी रात ने जो उद्दंडता तार के आई है ना एक बजे तक, सारी बताऊंगी। वीडियो सारे जो टेडी वेडी नाच रही थी ना सारी बताऊंगी बेटी, देख क्या रही है मस्ती के मारी थी चारों तरफ के घूमगी। याद आ रही थी भैया की? और क्या है, क्यों नहीं याद आएगी? तो एक बात बता, वीडियो कॉल कर लेती? कर ली थी। दूसरों के पास कॉल करके फोन करके तो वो बदमाशी करे, मनोकामना पूर्ण करे जल्दी से कर दे। जो जिस इच्छा से आया प्रभु उसकी मनोकामना पूरी करे। कर और ये हमारा जो तीर्थ स्थान है हम सबके लिए पवित्र रहे और ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही मिलजुल के सभी बहने आए और इंजॉय करें। करती रहे, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ रहे है न। पहुँच गए अब, ये मेरे को तो लग रहा है इसी शिप में बिठाएंगी, छोटी सी है ये नाव सी, छोटी सी ये बोली उसमें बैठाऊंगी, इसमें बैठाऊंगी। अब हम क्रूज, क्रूज है मन्नत तो या नाव दिखाई दे रही है। हम क्रूज में सफर। चलो भाई दिल को तसल्ली होनी चाहिए, कैसे भी हो कितनी अच्छी है ये देख। हाँ बढ़िया, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छी अच्छे से दबाया ठीक है। मारा भी दबा दिया कर एक आध बार, अच्छा तो ठीक है। बैठ गए भाई हम बोट में, बोट बोट है भाई, इनकी है क्रूज और मेरे लिए ये बोट, मुझे तो बोट नजर आती है, अब पता नहीं किसको क्रूज नजर आती है। क्या करिए क्या बना रही है? हनीमून बना रही है, हनीमून बना रही है। क्या शर्म नहीं आती? शर्म आएगी? भोले बाबा के नाम, भोले बाबा तो कुछ बना नहीं करते, और भोले बाबा तो कुछ भी बना नहीं करते, वो कहते मौज लो रोज लो। सुन मेरी बात, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। हमारे बाबा तो यही कहते हैं, तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं हमें नहीं पता है ना भाई। ठीक बात है ना भाई, अपनी आंटी बड़े प्यार से आई है हमारे पास के, चलो सुनीता के पास बैठते हैं, कोई कोई करता है मुझे प्यार। तो भाई हम उतर गए हैं नाव से और अब चल दिए भोले बाबा के मंदिर। यहाँ पे बताई जा रही है 70 हैं सीढ़ियाँ, कोई कह रहा है 100 है, कोई 70, एक बंदे ने तो बोला 1000 है, और हम पहन रहे हैं वैली। हमारे तो अटैक पड़ने को हो गया बाबा रे, वैली पहन के 1000 कैसे डाले हैं। वाह बेटा तू तो कंफर्टेबल होकर आ रही है बिल्कुल, पर कोई बात नहीं, जो भी डाला है हम पहुंच जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। 100 सीढ़ी कोई ज्यादा नहीं होती है। हाँ आ जाओ, थोड़ी सी सीढ़ियाँ में चढ़ के आई और ऊपर बाकी सीढ़ियाँ बंद है क्योंकि काम चल रहा है, तो अब जाएंगे प्लेन रास्ते से। है इसमें भी सीढ़ियाँ, आगे से दो रास्ते हैं, हो सकता है ये पुराना ज़्यादा हो गया इस वजह से बंद कर दिया हो, बोल तो रहे मेंटेन हो रहा है। और साधु बाबा बैठे हैं आगे, धीरे धीरे चलते हुए सांस तो चढ़ गए। हाँ कोई नहीं, बीच बीच में सांस लेते हुए पहुंच जाएंगे, दर्शन तो करने हैं भोले बाबा के, इसलिए चलते रहो चलते रहो। पहुँच गए भाई ऊपर हम शिव मंदिर, सबसे पहले बैठे हैं गणेश जी की सवारी, गणेश जी की सवारी 200 रुपये नीचे नीचे है प्रसाद। और सबसे पहले क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो हम गणपति जी के बगैर कोई कार्य शुरुआत नहीं होती, गणेश जी के बगैर, ये शिव जी ने वरदान दिया हुआ है भगवान शिव ने, तो पहले हम गणेश जी को ही पूजते हैं उसके बाद कोई कार्य दूसरा करते हैं। अब मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है और अब मैं करूँगी शिव जी भगवान की पूजा और चलते हैं शिव मंदिर। ये यहीं पे है शिव मंदिर, ये शिव जी भगवान का मंदिर है, नीचे बहुत नीचे जाके और फिर है, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। बाबा की जय, और लगा रही हूँ भाई अगरबत्ती जय, जो जगह भी
पूजा अंदर कर ली, अंदर फोन अलाउड नहीं होता है, फिर भी मैंने जैसे भी थे उतने दर्शन करा दिए आप सबको। और मेरी मंडली आधी दर्शन कर चुकी, आधी करने लग रही है, कोई आगे है कोई पीछे है, थोड़ी देर में ढूंढूंगी। चलो भाई बहनों बताओ दर्शन कैसे हुए भोले बाबा के तुम्हारे? बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन करवाए ठीक बेटा। ये तो था तुम्हारा ऊपर का विवरण, अब जरा अंदर वाला बताओ ये मंदिर कितना पुराना है, कैसे आए हो, क्या कहानी है? मंदिर बहुत पुराना है। हाँ, आनंद रूप में यहाँ पर शिव पार्वती को देखा जा सकता है। अच्छा जी, शिव पार्वती की इतना पुरानी पुरातन सबसे पुरानी तस्वीर है। बाहर स्वयंभू जो है वो है आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो कि संसार का सारे जहर को पीते हैं। वाह शाबाश, बहुत ही पुराना है और यहाँ से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। कामाख्या योनि स्थल माना जाता है माँ का शक्ति पीठों में। हाँ, और यहाँ पर स्वयं भू शिव प्रकट हुए। हाँ, और अंधेरा था, पंडित जी ने दिए की रोशनी में अच्छे से बताया, बड़ा अच्छे से विवरण दिया है ना, बहुत अच्छे से दर्शन कराए, बहुत अच्छी सी पूजा। और भाई थोड़े से ये लाइन इन की आ गई वीआईपी दर्शन में, मिनिस्टर आ गई कोई तो इनकी दा लग गया, भगवान ने ना कृपा भेज दी। नहीं मैं भी दर्शन तो बहुत अच्छे से करके आई हूँ, दिए की रोशनी में अच्छे से बताया उन्होंने क्या कुछ है, सारा अच्छे से कहानी। बल्कि मेरे दर्शन किए, वाह बेटा मैं भी करके आई हूँ दिए की रोशनी में, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है बहुत। क्या मीठा लगा, क्या चटपटा लगा, सीरियसली इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सच में। जालमुड़ी है क्या ये? भगवान के दर्शन, जो भी कुछ है जालमुड़ी बेलपुड़ी जो भी कुछ है, भगवान के दर्शन के साथ साथ अपना भी पूरा एंजॉय। हाँ, वो तो भाई करना पड़ेगा, हम इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ खाना पीना तो हमारा बनता है, घूमना खाना पीना सारा। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। कोई इधर शॉपिंग कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। भाई दर्शन के बाद अब सीधे फिर होटल, क्योंकि हनुमान मंदिर है आज बंद, तो दर्शन होंगे नहीं। अब कहाँ जाएंगे, कुछ डिस्क्राइब किया नहीं हमारे को, अब देखते हैं कहाँ लेके जाएंगी ये लोग, उसी हिसाब से अब हम उनके साथ ही जाएंगे। हमारा वेट करने लग रही है बैठी बैठी, और जानबूझ कर वेट करा रहे हैं क्योंकि मुझे भा नहीं रहा अभी, तो जा रही हूँ वहीं पे। ये हम चल दिए भाई वापस, बैठ गए हैं सब बोट के अंदर, और बहुत ही सुंदर व्यू है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैठी हुई हैं, अब थक गई तो आराम से बैठ गई हैं, एकदम रिलैक्स होकर सारी नीचे जिसको जहाँ जगह मिली और पसर गई हैं। अब देखो कहाँ पे लेके जा रही हैं, पहले होटल ले जाएंगी शायद, आई थिंक, और आज का दिन वहीं हो जाएगा कवर हमारा सारा। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, ऐसा दिल कर रहा है पानी के अंदर ही रह जाओ, बहुत सुंदर। लो भाई पहुँच गए किनारे पे, और लगा दी इन्हें किनारे पे, अब उतरेंगे। हाँ ये पूनम ना यूपी की है, पता ना केक के खिलाए जा सारा दिन, खा ले क्या? मैं नहीं खाती है आगड़ंगा, छह मैं नहीं खाती, मेरे को सब अच्छा नहीं लगता ये कुछ भी, सिंपल रोटी सब्जी मोमोज चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब खाती हूँ मैं, ये नहीं खाती है सौंप वोंप, ये कुछ खाने की चीजें नहीं होती, बेकार की, ठीक है ना नीलम? मैं नहीं खाती ये सब चीजें। भाई देख के आए भोले बाबा का मंदिर, और अब नहीं जा रही मैं कहीं भी, चाहे कोई भी जाए, और हम करेंगे लंच सब मिलकर, बैठ गए हैं पता नहीं क्या नाम है, मैंने नहीं ध्यान दिया क्या नाम है, पर है साफ सुथरा रेस्टोरेंट तो, और सब बैठी है, ये महारानियाँ बैठी है, छोटी रानी महारानी और वो उधर अपनी सुचेता अपने समुद्रों के साथ बैठी हुई है भाई। और भाई मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मेरा हो गया गला ख़राब ना, मेरा कहीं जाने का मूड है, मैं जाके होटल में सोऊंगी, चाहे जो मर्जी कोई कहीं भी जाए आराम करूँगी दवाई लेके, तो मेरी वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म।
और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।